मेवाड़ में राणा सांगा नामक एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम कर्णावती था, नाम उदय सिंह था। उदय सिंह के थोड़ी ही जन्म के दिनों बाद राणा सांगा की मृत्यु हो गई। भरा आघात लगा और वह भी बीमार रहने लगी। अभी उदय सिंह बहुत छोटे थे, अतः मेवाड़ का राज्य संभालने के लिए राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के पुत्र को बुलाया गया। रानी की हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन कर्णावती थी, देखो पन्ना, मेरी मृत्यु निकट है। मेरे बेटे उदय आज से तुम्हारे ही भरोसे है। तुम ही इसकी धाय माता हो, तुम इसे अपना पुत्र समझकर पालना। पन्ना, महारानी जी ये आप क्या कह रही हैं? मेरा बेटा उदय मेवाड़ का भावी राजा है। जब तक ये शासन संभालने योग्य नहीं हो जाता, तुम इसका पालन पोषण बहुत सावधानी से करोगी, मुझे इसका वचन दो। पन्ना, रानी माँ मैं सौगंध खाती हूँ, मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी राजकुमार की रक्षा करूँगी। यह कहकर रानी स्वर्ग सिधार गई। पन्ना उदय का पालन पोषण अपने पुत्र के भांति करने लगी। मेवाड़ का प्रबंधक बनवीर बड़ा ही क्रूर और घमंडी था। उसने सोचा जब उदय सिंह बड़ा हो जाएगा तो मेवाड़ का राज्य उसको मिल जाएगा। यदि किसी तरह उसे रास्ते से हटा दिया जाए तो मेवाड़ सदा के लिए हमारा हो जाएगा। एक रात बनवीर को आते उसके को आते हुए पन्ना के एक विश्वस्त आदमी ने देख लिया। उसने तुरंत इस बात की खबर पन्ना को दे दी। का ख्याल आते ही पन्ना कांप उठी। उसने तुरंत एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के शाही वस्त्र पहना दिए और उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया और पत्तल उठाने वाले विश्वासपात्र सेवक के हाथों राजकुमार उदय सिंह को महल से बाहर भेज दिया। एकाएक भड़बड़ाहट की आवाज़ होती है। हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है। बनवीर, सारे राजपूताने में एक ही धाय माँ है पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी धाय माँ को प्रणाम करने आया हूँ। ये धाय माँ की आंखों में आंसू? पन्ना, नहीं, आंसू नहीं है। आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए। कुंवर उदय सिंह, मैं उन्हें भोजन करा दूँ? पन्ना, कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथों से भोजन नहीं करते, मैं उन्हें खिला दूंगी। बनवीर तलवार खींच लेता है। पन्ना, यह तलवार म्यान में रख लो महाराज। क्या तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। धाय माँ होने पर भी तुम्हें इतना ममता भर आई है कि तलवार नहीं देखती? पन्ना, तलवार आसानी से म्यान में नहीं जाती। पन्ना, आधी रात हो चुकी है महाराज बनवीर, विश्राम करिए। विश्राम करूँ? बनवीर, जिसे राजलक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक की यात्रा करनी है, मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। पन्ना, ये नहीं होगा महाराज बनवीर। जागीर नहीं चाहती? पन्ना, नहीं। बनवीर, तो उदय सिंह के बदले जो मांगा दिया जाए। राजपूत ना व्यापार नहीं करती बनवीर, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती हैं या चिता पर। चुप रहो धाय, कहाँ है उदय सिंह? तुम उदय सिंह को छू भी नहीं सकते। बनवीर, मैं नहीं, मेरी तलवार तो छू सकती है। बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे ना, रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। महाराज बनवीर, तुम राज करो चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपूताने पर राज करो, पर कुंवर सिंह को छोड़ दो। मैं उन्हें लेकर सन्यासी हो जाऊंगी, तीर्थ में वास करूंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहेगा, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। बनवीर, महाराज बनवीर, मुझे ये भिक्षा दे दो। दूर हटो दासी, ये नाटक बहुत देखा है। उदय सिंह की हत्या ही मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी होगी। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। मेरे मार्ग का कंटक, आज मैं यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। उदय सिंह के धोखे में चंदर पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीख कर मूर्छित हो जाती है। पन्ना के त्याग का इतिहास गवाह है। पन्ना जैसी माताएं ही राष्ट्र के गौरव को बढ़ा रही हैं।